सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब तुसीं देख रहे हो ते मैं थोड़े नाल मनप्रीत गिल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल, जिथे कि इनफोर्समेंट डायरेक्टर नूं लैके सियासी सरगर्मियां हजे भी तेज ने। केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी ते तिखा हमला किया। वह कहिंदे ने चन्नी जी चमकौर साहिब तो तुसीं हार रहे हो, नोटा दे जो बंडल थोड़े मिले ने घरों लोग उसनूं देख के सदमे च ने। कि एक पासे तो चरणजीत सिंह चन्नी कहिंदे ने कि मैं आम आदमी हाँ, गरीब परिवार चो निकलिया होया, दूजे पासे जो नोटों के बंडल घर चो बरामद होंदे ने ईडी की रेड के दौरान तो लोग चौखा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं लोग कि इन्ने पैसे किवें चरणजीत सिंह चन्नी दे कोल आए ने। उन्हां पैसों का हिसाब भी देना होगा। चरणजीत सिंह चन्नी नूं सोना भी भारी मात्रा के बरामद होया, नकदी के नाल नाल सोना बरामद हो जाता है, शक के घेरे के आ जाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। तो चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि यह तो बीजेपी की कोशिश है सानू फसाने की। भाजपा के वलों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेरी का बदला लिया जा रहा, पर केजरीवाल कहते हैं कि रेट तो मेरे घर भी पई सी, पर मेरे घरों तो सिर्फ 10 रुपये मफलर मिले सी, तो थोड़े घरों 10 करोड़ रुपया मिल जाता। तो नोटों के बंडल जदों बरामद होंगे ने, चरणजीत सिंह चन्नी ते तिखे शब्दी हमले केजरीवाल करते हैं। वो कहते हैं जदों इन्ने नोटों के बंडल लोग देखते हैं थोड़े हल्के दे तो वो लोग सदमे च आ जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं कि एक पास चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि मैं आम आदमी हाँ, गरीब परिवार चो निकलिया होया, तो जदों करोड़ों रुपया बरामद होंदा है तो लोग ये चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं। चंडीगढ़ तो पत्रकार ने रिशी राही साडे नाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, गलबात उन्होंने नाल कर लें। इस ट्वीट के मायने की ने विस्तार रूप के समझ लें जी। ऋषि ट्वीट करते हैं केजरीवाल कहते हैं कि तुसी हार रहे हो चमकौर साहब तो चरणजीत सिंह चन्नी नूं। एक पासे ईडी की रेड पर भी सवाल चुके ने अरविंद केजरीवाल ने, कि कुछ कहना चाहोगे जी? मनप्रीत, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहला ही एक ट्वीट किया है, उन्होंने हिंदी च साफ शब्दों में लिखा है कि हमारे सर्वे दिखा रहे हैं कि चन्नी जी चमकौर साहब से हार रहे हैं। बिल्कुल, दरअसल की है जिस तरह मनप्रीत ईडी का रेडा हो रही है और चरणजीत चन्नी के रिश्तेदारों के कोलों पूरा रुपया निकल रहा है, वो बड़े सवाल खड़े करता उस पंजाब के जिहड़े वोटर ने, जिहड़े पंजाब के लोग ने, वो हुण कह सकते हैं कि सवालिया नजरों के नाल कांग्रेस वाल देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि पैसा जो है तो कितों आया, इन्ना करोड़ रुपया, अरबा रुपया, जो करोड़ रुपया जो ईडी वालों फड़िया गया है वह कितों आ रहा है इन्ना, और इस चरणजीत चन्नी के रिश्तेदार के कोलों इन्ने पैसे रेडा हो रही ने, किते सियासी स्टंट तो नहीं, जां कोई वाकई इन्हां दी कोई मिली भुगत है, पैसे दो नंबर दे कट्ठे किते होए ने ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲਾਪੁਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਵਾਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੌਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ।